अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम है। उत्सव को लेकर हटा उपजेल में भी अब पूरी तरह से राममय मस्ती चल रही है। उपजेल में सूरदास रामायणी जी महाराज की 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन प्रबंधन के द्वारा कराया गया। 22 जनवरी को 5100 दीपोत्सव का विविध अनुष्ठान भी यहां होगा। हटा उपजेल अधीक्षक नागेंद्र सिंह चौधरी, जेल स्टाफ से लेकर सभी कैदी सुबह से शाम तक धार्मिक आयोजनों में लीन है। जेल अधीक्षक नागेंद्र सिंह द्वारा कैदियों में श्री राम जी के जैसे आदर्श और सिद्धांत स्थापित करने और सुधार के उद्देश्य से प्रवचन दिए गए। दिन भर विभिन्न धार्मिक भजनों के बीच कैदी जय श्री राम की धुन पर नाचते गाते नजर भी आए। जेल प्रबंधन के द्वारा जेल की दीवारों पर भगवान श्री राम, राम दरबार, अयोध्या मंदिर की आकर्षक चित्रकारी भी की गई, जिससे जेल का नजारा अब किसी मंदिर से कम नहीं है। फतेहपुर स्थित देव श्री राम कौमार सरकार के महंत अजब दास छोटे सरकार भी उपजेल हटा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पवित्र राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रस्तावित है। वह उस शुभ दिवस अवसर को का विस्तार जो वहां हो रहा है उसके बिंब को हम हमारे बंदियों में वो भी उसमें शामिल हो सकें, उसको उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी जेल में 18 जनवरी से 2024 में लगातार राम कथा का आयोजन चल रहा है। आज राम कथा का 4th दिवस है। उक्त कथा में जैसा कि कल अभिजीत नक्षत्र में प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या जी में, उन्हीं के तारतम्य में उनके प्रभु राम की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सब जिला हटा में कल 5100 दीप प्रज्वलन बंदी भाइयों द्वारा और स्टाफ के प्रयोजनों द्वारा किया जाए। सर कौन 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 से पंडित जी कथा कर रहे हैं इस संगीतमय राम कथा में? पंडित परम पूज सूरदास रामायणी महाराज सर, हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम इतना विशाल होता जा रहा है, कल हमें परम पूज फतेहपुर के महंत रामदास अनुग्रह महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ऐसी आशा करते हैं कि इस राममय माहौल में हमारे जो बंदी भाई हैं, राम प्रभु राम के जो चरित्र हैं, उनके आदर्श हैं, उनको वो अपने में धारण करेंगे और मुख्य भूमिका में लौटेंगे समाज में, पुनः प्रार्थना करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ हम इस विशाल राममय कथा का जो पात्र है उसका रस पिला रहे हैं बंदी भाइयों को और हम भी पी रहे हैं इसका।